जोधपुर में कांग्रेस नेताओं ने भूकंप की 25वीं वर्षी के अवसर पर दिवंगत आत्माओं को विनम्र श्रद्धांजलि दी। भूकंप स्मृति स्तंभ पर पहुंचकर ये श्रद्धांजलि दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह ने कहा कि भूकंप स्मृति स्तंभ का जीर्णोद्धार कार्य उनके द्वारा प्रशासन से बात करते हुए कराया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन नगर निगम के द्वारा अभी तक भूकंप रोधी तकनीकों के लिए कुछ नहीं किया गया, जिसके लिए जिला प्रशासन और नगर निगम को भूकंप रोधी गतिविधियों को रोकने के लिए कहा जाएगा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से किस तरह निपटा जा सकता है, इस बात के लिए जिला प्रशासन और नगर निगम से भविष्य में बात की जाएगी। वहीं 25 वर्ष पूर्व जिस प्रकार जोधपुर में भूकंप आया था और 41 लोगों की असमय मृत्यु हो गई थी, उन दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि कांग्रेस परिवार ओर से दी गई। भयानक घटना के बाद आज 25 वर्ष हुए भूकंप आए हमारे जबलपुर शहर में। लगभग 41 लोगों की मृत्यु हुई थी, हज़ारों लोगों के मकान टूटे थे, हज़ारों लोग बेघर हुए थे। वो दर्दनाक हादसा आज भी जहन से निकलता नहीं है। जब भी उसके बारे में सोचो तो मन सहर उठता है। हम लोगों ने आज यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की, कांग्रेस के सभी लोगों ने, और एक प्रतिज्ञा भी की कि चूँकि स्मारक जो बना हुआ है, इस स्मारक की स्थिति दयनीय है, इसका रख रखाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी अपने खर्चे से, हम लोग अपने खर्चे से इसको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। एक तकलीफ और है कि यहाँ पर हर वर्ष जिला प्रशासन द्वारा भूकंप राहत के लिए एक रिहर्सल की जाती थी, आपदा प्रबंधन की जो एक रिहर्सल होती थी, वो भी कोरोना में बंद थी। बात समझ में आती थी, कोरोना के बाद क्यों बंद है यह समझ के बाहर है। ये दोनों बातों को लेकर CO JDA को और कलेक्टर महोदय को एक पत्र भी लिखा जाएगा और हम लोग अपने खर्च से इसको, क्योंकि हमारे ये जबलपुर शहर के वो लोग हैं जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान खोई है, उनके परिवार वाले आज भी जब सोचते होंगे तो भूकंप का ध्यान में आते ही वे भी सहर जाते होंगे। सभी को हम लोगों ने आज श्रद्धांजलि दी, नमन किया और याद किया उस दिन को, जो दिन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कभी हमको दोबारा देखने को ना मिले। भैया आज 25 वर्ष हो चुके हैं, स्तंभ भी बना है, और जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तब उनकी याद आती है भगवान को, क्या वजह सामने आ रही थी? नहीं, चक्र शिकार मैंने सोशल मीडिया पे नहीं देखा। कल रात में 8 बजे हम लोगों ने इसका मैसेज सारे कांग्रेस में, दिखा सकता हूँ मेरे पास है, कल 8 बजे हम लोगों ने इसकी पूरी जानकारी सारे कार्यकर्ताओं को दे दी थी कि कल शाम को हम लोग ये कार्यक्रम करेंगे। दूसरे पार्टियों की जो है, अब देखिए कांग्रेस पार्टी संवेदनशील है, इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत ध्यान में रखते हैं। ये हमारे दिल का विषय है, दिल के दर्द हैं ये, और हम लोग इसको बहुत अच्छे से करने का प्रयास करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। अब दूसरी पार्टियां नहीं करती हैं तो ये उनकी सोच है, उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह तो उनको तय करना है, हमें तो ये सब करना है। हम लोग करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जोधपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।